हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि स्वामी आपका दोस्त और आज आपके लिए लाया हूं मैं अमेजिंग फीचर्स ऑफ द एक्सेल्स। हां दोस्तों, पांच ऐसे जबरदस्त फीचर्स है जो आपकी टाइम सेविंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे पांच ट्रिक्स हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, तो हम चलते हैं आगे अपने डेटा की ओर। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न एक्सेल, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे फाइव हिडन फीचर्स इन द एक्सेल्स। दो हमारा फर्स्ट फीचर्स है कॉपी डेटा टू अनदर शीट ऑटोमेटिकली। यदि कोई डेटा मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखूं अगर, तो ये किसी भी शीट पे जाके ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ठीक है। सेम यहाँ पे जो कंटेंट लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट शीट पे, वो सेकंड पे भी यहाँ पे आ जाए। तो हमें उसके लिए क्या फीचर्स है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट शीट है हमारे पास में, अभी हम फर्स्ट शीट पर हैं, हमें कंट्रोल के साथ में सेकंड शीट को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों सीटें हैं जो सिलेक्ट हो गई है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट शीट पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो आप देखोगे शीट टू पे भी ये सेम कंटेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे इसमें इधर कुछ लिखता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ शीट के ऊपर, यहाँ पे कोई भी काम करूंगा, ये ऑटोमेटिक शीट टू पे डेटा पुट होता रहेगा। अब इन दोनों को यदि सोच रहे हैं अनग्रुप कैसे करें, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, किसी भी शीट पे आप जाके एक बार क्लिक कर दो और उसके बाद में वापस आके अब आप टाइप करोगे यहाँ पे, तो ये इस शीट पे टाइप नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अनग्रुप भी कर सकते हो वापस। यदि आपको वापस वही फीचर्स करना है तो आपको वापस वही कंट्रोल के साथ में उसको शिफ्ट करना होगा और वही राइट करके आप सेकंड शीट पे डेटा ला सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारी पहली हिडन फीचर्स की एक्सेल की हो गई है, कॉपी डेटा टू अनदर शीट ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे एड नंबर कंटेंटिंग केजी एंड पीसेस, ठीक है दोस्तों। कई बार हमारे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमारे पास क्वांटिटी भी लिखनी होती है, और वो क्वांटिटी सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, अब ये क्वांटिटी केजी में है या पीसेस में तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं मैनुअली टाइप करते हैं कि 10 पीसेस 12 पीसेस। तो दोस्तों ये कब तक करेंगे, और यदि आप इनका सम करोगे यहाँ पर, यदि मैं इनका यहाँ पे सम करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको ये एरर दे देगा इस प्रकार से। यदि आप इधर टोटल करोगे यहाँ पर, ठीक है, इस वैल्यू से इस वैल्यू का, तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू में एरर दे देगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ट्रिक्स हो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे पीस भी लिख सकूं और इनका सम भी आ जाए और इनका टोटल भी हो जाए, तो कुछ भी नहीं दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है कि हमें जो कॉलम रो है यहाँ पे सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर शीट पर, और हमारे पास में यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल्स के अंदर। फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पे कस्टम्स में, ठीक है दोस्तों। कस्टम में आने के बाद में यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे 0, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर एक स्पेस, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या लिखना होगा, यहाँ पे पीस लिखना होगा, जैसे हमें पीसेस में चाहिए क्वांटिटी, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे और इसको हम कर देंगे ओके प्रेस, ठीक है दोस्तों। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12 पीसेस, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 पीस है, या फिर 6 है, या फिर 8 है, यहाँ पे 4 है, जब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। यदि आप इनका सम करोगे, ठीक है, तो इनका सम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, आ गए यहाँ पे 35 पीसेस। इस प्रकार से यहाँ पर 35 पीसेस भी आ गए हैं, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे इनका टोटल करूँ अगर सेल का, तो ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी करेक्टली आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम डेटा के साथ अपने पीसेस और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे
हमें चाहिए क्वांटिटी केजी के अंदर, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर वो यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, और उसके बाद में फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम्स में जाएंगे और यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे, जीरो इनवर्टेड कॉमा स्टार्टेड स्पेस, फिर हम करेंगे केजी और इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बनाना लिखूंगा मैं 25 केजी में आ जाएगा, 41 केजी, इस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पीसेस और क्वांटिटी इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों ये अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा इस प्रकार से। और हाँ, यदि यहाँ पर ये चीजें आ गई है, यदि यहाँ पे पीसेस और केजी भी होता है तो उसका टोटल किस प्रकार से होता है, उसका एक अलग से मैंने वीडियोस बना रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, उसको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका। ठीक है, इस प्रकार से। और थर्ड, अब थर्ड पे चलते हैं हम। हमारे थर्ड हमारा है इंसर्टिंग ब्लैंक्स रो इनटू ए रिकॉर्ड। यदि मेरे पास ये रिकॉर्ड है, अब मुझे यहाँ पे हर रिकॉर्ड के बाद में अगर एक ब्लैंक सेल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसको करूंगा, फिर यहाँ पे करेंगे इंसर्ट डाउन, फिर यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर वापस यहाँ पर इंसर्ट करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें तुम्हारे साथ में बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि ये आपको कैसे सेविंग करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक से लेके 10 तक, आप यहाँ पे वापस जितना अपन डेटा है 1 से लेके 10 तक, तो यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर इनके 10 तक इनको आप यहाँ पर एक मिनट मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ दोस्तों, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपके डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है इनको। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ एंड तक इसमें सेलेक्ट कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे करेंगे शॉर्ट, और शॉर्ट वाइज में क्या होगा, सीरियल नंबर शॉर्ट करना है। ठीक है, सेल वैल्यू है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, फिर हम करेंगे ओके प्रेस। अब देखोगे आप यहाँ पे हर एक कॉलम के बाद में यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हर एक कॉलम इंसर्ट हो गया है यहाँ पे, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर हर एक के बाद यहाँ पे कॉलम्स आ गए यहाँ पे, जैसे 1 1 2 2। तो ये एक स्मार्ट तरीका है दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट करने का हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, इस यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास में, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, फटाफट काम हो जाएगा इससे। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास में है रिमूव ब्लैंक रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों ब्लैंक रिमूव, जो रिमूव ब्लैंक रिकॉर्ड्स है, अब उनको कैसे हटाना है, तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर पास में ये देखा मैंने, बेसिक में ये ब्लैंक्स आ रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी भी जाएंगे और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, फिल्टर लग गया हमारे पास में। उसके बाद में हम यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स हटा के यहाँ पे जो ब्लैंक्स वैल्यू है उनको ले लेंगे, और जैसे ये डेटाज है, ठीक है, इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, डिलीट रोज, ये हो गया, ये डिलीट हो गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, वापस फिल्टर को रिमूव कर देंगे, यहाँ से फिल्टर लगाया था हमने। तब आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्लैक वैल्यू है वो यहाँ से गायब हो चुकी है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी स्मार्ट तरीका हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा जो आज लास्ट का 15th लास्ट का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में आ गए, तो ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या है लास्ट है, टेकिंग स्क्रीनशॉट यूजिंग एक्सेल कैमरा। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना होगा, एक्सेल में कैमरा कहाँ से जाके हमारे स्क्रीनशॉट ले सके, तो हम सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर, आपको देख रहा होगा कस्टम क्विज एक्सेस टूल बार होता है ऊपर ही ऊपर। ठीक है, ये तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें हम आएंगे यहाँ पर मोर कमांड। ठीक है, मोर कमांड्स में हम यहाँ पे जो चूज कमांड्स फ्रॉम होता है यहाँ पे करेंगे ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स में हमें सेलेक्ट करना होगा कैमरा, जो कि सी पर आता है, तो हम सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैमरा जहाँ पर भी होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कैमरा हो गया, इसको हम कर लेंगे एड,
और यहाँ पे कर देंगे ओके प्रेस। ठीक है, अब जैसे मुझे इस डेटा का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इस कैमरे पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और मैं इधर एक साइड में प्रेस कर देता हूँ ये। अब ये एक इमेज बन चुका है दोस्तों, ये डेटा नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अंदर एक इमेज बन चुका है। ये आपको फॉर्मेट भी दे सकते हो आप इसके इमेज का। ठीक है, इस प्रकार से ये एक आपकी इमेज क्रिएट हो चुकी है, तो आप यहाँ पे एक इमेज यूज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, एज ए इमेज आप इसको यूज कर सकते हैं इसको। या फिर मुझे इसका लेना है मान लो, तो मैं वापस कैमरे पे क्लिक करूंगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। और ये देखो यहाँ पे फॉर्मेट आ गया है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं इमेज में, जो भी आपको एडिटिंग करनी हो, जैसे ब्लैंक गोला करना है, जो भी आपको एडिटिंग करनी हो इसमें, इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यदि मैं इसका लूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है हमारे पास में, और इसको हम बॉर्डर कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और ये मैं फॉर्मेट में यहाँ पे पिक्चर्स में जो भी हमारे यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो आप, पिक्चर बॉर्डर हुआ, कलर वगैरह देना हो पिक्चर बॉर्डर को, पिक्चर्स इफेक्ट हुए जो आपको 3D वगैरह में देने हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आज हमने सिखाए एक्सेल के 5 हिडन फीचर्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, और हाँ यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।